इसे एग्जांपल्स ऑन स्केलर प्रोडक्ट. फर्स्ट एग्जांपल है इफ वेक्टर ए इक्वल टू 3 वेक्टर i + 4 वेक्टर j + -5 वेक्टर k एंड वेक्टर b इक्वल टू 3 वेक्टर i - 4 वेक्टर j - 5 वेक्टर k. फाइंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b. सेकंड में निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b. थर्ड में स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b. देन वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर a. दो वेक्टर्स गिवन है वेक्टर a इक्वल टू a1 वेक्टर i +b1 वेक्टर j +c1 वेक्टर k. वेक्टर b इक्वल टू a2 वेक्टर i +b2 वेक्टर j +c2 वेक्टर k. वेक्टर a डॉट वेक्टर b. वेक्टर a डॉट वेक्टर b है a1 × a2 + b1 × b2 + c1 × c2. This is dot product. This is scalar product. यहाँ पे वेक्टर a डॉट वेक्टर b. फर्स्ट ब्रैकेट में वेक्टर है देन डॉट सेकंड ब्रैकेट में वेक्टर b. अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालना है. वेक्टर i का कोएफिशिएंट है 3. वेक्टर i का कोएफिशिएंट है 3. तो वी राइट 3 × 3. ये 3 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 × 3 प्लस वेक्टर j का कोएफिशिएंट है 4. वेक्टर j का कोएफिशिएंट है -4 तो +4 × -4 प्लस -5 × -5 ये 3 × 3 +4 × -4 +5 × -5 = 9 - 16 + 25 = 18. यू कैन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. देन वी फाइंड सेकंड के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे. मोड वेक्टर ए. वेक्टर ए इक्वल टू 3 वेक्टर i + 4 वेक्टर j - 5 वेक्टर k. मैग्नीट्यूड निकालते वक्त अंडर रूट में लेंगे अंडर रूट ऑफ 3² + 4² + -5² अंडर रूट ऑफ 9 + 16 + 25 दैट मीन्स रूट 50. वैसे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है अंडर रूट ऑफ 3² + -4² + -5² ये नेक्स्ट पेज पे अंडर रूट ऑफ 3² + -4² + -5² अंडर रूट ऑफ 9 + 16 + 25 दैट इज रूट 50. कॉस थीटा का फॉर्मूला कौन सा है? कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए इनटू मॉड वेक्टर बी. कॉस थीटा का फॉर्मूला है इफ थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी देन कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी. ए डॉट बी निकाला तो अपन 18 अपॉन √50 × √50 18/50 दैट मीन्स 9/25. स्क्वायर में निकालना है स्केलर प्रोजेक्शन. स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी. फॉर्मूला है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है 18 मॉड वेक्टर बी √50 18/√50 √50 मीन्स 5√2 आंसर 18/5√2 ये हो गया स्केलर प्रोजेक्शन. वेक्टर दिस इज स्केलर प्रोजेक्शन. वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी स्क्वायर इंटू वेक्टर ए. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेक्टर प्रोजेक्शन. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी तीनों भी अपने पास में. वेक्टर पोजीशन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इनटू वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए स्क्वायर. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 18 इनटू वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर है √50 का स्क्वायर दैट इज 50 18/50 इज 9/25. सेकंड एग्जांपल में निकालना है m गिवन है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी.
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। फर्स्ट ब्रैकेट में लिखना है वेक्टर ए, सेकंड ब्रैकेट में वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट मीन्स 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 1 प्लस m इंटू 4, यू गेट डॉट प्रोडक्ट 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 1 प्लस m इंटू 4, दिस इज 6 माइनस 4 प्लस 4m इक्वल टू 0, 6 माइनस 4 दैट इज 2, 2 प्लस 2m इक्वल टू 0, 4m इक्वल टू माइनस 2 और m इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। थर्ड एग्जाम्पल है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो वेक्टर, मॉड वेक्टर ए इक्वल टू 3, मॉड वेक्टर बी इक्वल टू 5, मॉड वेक्टर बी इक्वल टू 7, एंगल मीन करना है वेक्टर ए और वेक्टर बी में का। यहाँ पर गिवन कंडीशन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो वेक्टर, दो वेक्टर में का एंगल देंगे थीटा, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब दो वेक्टर में का एंगल निकालना है एक वेक्टर ए और वेक्टर बी में का, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी की टर्म्स यहाँ पर रखना है, बाकी टर्म ट्रांसफर। ए और सी में का एंगल निकालना रहा तो वेक्टर ए और वेक्टर सी रखेंगे, बी को ट्रांसफर करेंगे। एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी रहा तो बी और सी रख के ए ट्रांसफर करना है। तो नेक्स्ट स्टेप आएंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी, बाय द टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। अब ये डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी माइनस माइनस प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, ये स्टेप। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मीन्स मॉड वेक्टर ए स्क्वायर, ए डॉट बी बी डॉट ए दोनों इक्वल है, यू गेट ट्वाइस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मॉड वेक्टर बी स्क्वायर दिस इज मॉड वेक्टर सी स्क्वायर। इसके बाद में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मीन्स मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, मॉड वेक्टर ए की वैल्यू 3 है, मॉड वेक्टर बी की वैल्यू 5, मॉड वेक्टर सी की वैल्यू 7, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 9 प्लस 30 cos थीटा प्लस 25 इक्वल टू 49, 9 प्लस 25 34 ट्रांसफर माइनस 34 इधर, 30 cos थीटा इक्वल टू 15, cos थीटा इक्वल टू 15 बाय 30 दैट मीन्स 1 बाय 2, cos थीटा 1 बाय 2 मीन्स थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है कि इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो वेक्टर, मॉड वेक्टर ए इक्वल टू 3, मॉड वेक्टर बी इक्वल टू 5, मॉड वेक्टर सी इक्वल टू 7, शो दैट ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 25। यहाँ पे गिवन कंडीशन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो वेक्टर, बाद में फिर से सेम मेथड टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर जीरो डॉट वेक्टर जीरो, वेक्टर जीरो डॉट वेक्टर जीरो नेक्स्ट स्टेप में जीरो आएगा, यहाँ पे वेक्टर जीरो ना और नेक्स्ट स्टेप में जीरो रहेगा डॉट प्रोडक्ट। अब फिर से ए डॉट ए मल्टीप्लीकेशन जैसा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, अदर टोटल 9 टर्म्स, ये 9 टर्म्स आ गए। वेक्टर जीरो डॉट वेक्टर जीरो इट इज जीरो, ठीक है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल है, जो है ट्वाइस ए डॉट बी, ए डॉट सी और सी डॉट ए यानी ट्वाइस ए डॉट सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी
vector c dot vector b is also equal to the twice vector v dot vector b. So next step is mod vector a square plus mod vector b square plus mod vector c square plus twice vector a dot vector b plus twice vector b dot vector c plus twice vector c dot vector a. Now we substitute the values. Mod vector a kitna hai? Mod vector a equal to 3a. तो यहाँ पे आ गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर है 9, 4 स्क्वायर 16, 25. इनके एडिशन माइनस 50, हाँ ये प्लस 50, ट्रांसफर किया तो माइनस 50, 2 कॉमन ले लिए इस स्टेप में से, 2 से डिवाइड किया तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a इक्वल टू माइनस 25. आंसर फिफ्थ एग्जांपल है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर b, दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, इन इफेक्टर्स हैं, प्रूव करना है साइन ऑफ थीटा वाई इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड वेक्टर a माइनस वेक्टर b. वेक्टर एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1, मॉड वेक्टर a इक्वल टू 1, मॉड वेक्टर b इक्वल टू 1. बाजू निकालने अपने को ये स्टेप, अपन क्या करेंगे कि मॉड वेक्टर a माइनस वेक्टर b का स्क्वायर निकालेंगे, मॉड वेक्टर a माइनस वेक्टर b का स्क्वायर. सेकंड प्रॉपर्टी है कि मॉड का स्क्वायर है वेक्टर डॉट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ, वेक्टर a माइनस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b, अगेन सिंप्लीफिकेशन a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a माइनस माइनस प्लस b डॉट b. वेक्टर a डॉट वेक्टर a मीन्स वेक्टर a स्क्वायर, a डॉट b b डॉट a दोनों इक्वल है तो ये हो गया माइनस ट्वाइस वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस मॉड वेक्टर b स्क्वायर. मॉड वेक्टर a मीन्स 1. देन नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे पहले डेफिनेशन, वेक्टर a डॉट वेक्टर b मीन्स मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b cos थीटा, मॉड वेक्टर a की वैल्यू 1 है, मॉड वेक्टर b की वैल्यू 1 है, दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे. वन स्क्वायर माइनस टू इंटू वन इंटू वन कॉस थीटा प्लस वन स्क्वायर, वन प्लस वन और यह टू माइनस टू कॉस थीटा, दैट मीन्स टू माइनस टू कॉस थीटा, टू कॉमन इन ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, टू इंटू टू फोर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू. एंड व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर, एंड देयरफॉर 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर. बाद में दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2 साइन थीटा बाय 2 इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, 2 से डिवाइड साइन थीटा बाय 2 इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी.